हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है एक मैग्नेटिक डाइपोल की, ये हमारा कैलकुलेट होगा माइनस एम बी कॉस थीटा या फिर माइनस एम डॉट बी। अब जो इसमें जो लिमिट थी, इसमें हमने लिमिट डिस्कस नहीं की थी, तो लिमिट्स होगी थीटा वन से थीटा टू, या और ये थीटा वन, तो हम इस थीटा वन को फिक्स कर देते हैं 90 डिग्री पर, और जनरल केस के लिए थीटा टू इज थीटा, तब ये आया हमारा एम बी कॉस थीटा। अभी समझते कि ये थीटा 90 का मतलब क्या है। तो थीटा 90 का मतलब है कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो हमारा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, ये अलाइंड है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, और हमें पता है कि कॉस 90 इज़ ज़ीरो, तो इसलिए वो फैक्टर हट गया यहाँ से। बस तो मैग्नेटिक फील्ड बस क्या आई, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो हम इसमें लिमिट थीटा वन से थीटा टू भी प्लेस रख सकते थे और उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो कॉस 90 ज़ीरो आएगा, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा ही आएगी। अब हम वेरियस केस देख लेते हैं कि दो केस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल की देख सकते हैं। यानी एक पहला केस आएगा जब ये जो पोटेंशियल, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये अलाइंड है विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ज़ीरो डिग्री फॉर्म करेगा ये विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस केस में कॉस ज़ीरो हमारा ज़ीरो है होता है, यानी कि यू कितना आ जाएगा, बस माइनस एम बी यू इस केस में आ जाएगा माइनस एम बी, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। और दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी ऑफ द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होगी। और हमें पता है अगर मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि ये केस मोस्ट स्टेबल है, तो डाइपोल सबसे ज़्यादा स्टेबल किस केस में होगा, जब ये अलाइंड होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम उसको किसी भी पोजिशन में रखें मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो इस पोजिशन माना जाएगा, मतलब पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसकी ऑपोजिट अगर देखें, अगर मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि ये केस कब था, जब इस तरह से था, हमें पता है जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल इस तरह से, यस यहाँ पर साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो ये पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है साउथ से नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, साउथ से नॉर्थ, तो ये अलाइंड है विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरेलल है। जबकि इसकी ऑपोजिट अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है एंटी पैरेलल, मतलब नॉर्थ यहाँ है, एंड सॉरी अगर हमारा डाइपोल इस तरह से है कि इसका नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ, तो ये जो इसका डाइपोल मोमेंट है इस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंटी पैरेलल केस हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉस जो एंगल बनेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड वो 180 डिग्री बन रहा है, एंड कॉस 180 इज माइनस वन, तो जो हमारे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, एम बी। दिस इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि मैक्स पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है, तो ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है मैग्नेटिक डाइपोल की। थैंक यू।